सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली, और यह सवाल उसी से जुड़ा है जो कि कही गई। मैं सीधा आपको देता हूं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है मसला और कब तक हल होगा यह मसला। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जहां देश को की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है, देश की प्रजातंत्री व्यवस्था को बचाने की है, देश को एक ऐसी व्यवस्था से बचाने की है जो पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित हो गई है। आज देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की जो परेशानियां हैं उसको मुखरता से अगर कोई उठा रहा है वो राहुल गांधी जी है, वो कांग्रेस पार्टी है। अभय जी माफी के साथ, अभय जी आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, पर्सनली भी मैं जानता हूं, बेहद अच्छे इंसान हैं। सवाल सीधा ये था और सीधा जवाब ये हो सकते हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं, यहां से नहीं शुरू किया आपने, या गलत कह रहे हैं ये आपने नहीं कहा। मैंने सीधा सवाल पूछा था कि पार्टी के नब्ज पे हाथ है या नहीं है, संगठन में ह्यूमन टच खत्म हो गया है। इस संगठन में ह्यूमन टच का संदर्भ में नहीं समझ पा रहा हूं। अगर संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने हमेशा, ऐसा नहीं है, चुनाव को जीतना या हारने के आधार पर राजनीतिक दल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 1952 में मैं बना जनसंघ, मैं बिल्कुल बात हार जीत अलग है। सुनिए, मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। 1952 में बना जनसंघ और 98 में जाकर सरकार इनकी बनी, जब इतने बरस हो गए 40-46 साल, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अप्रासंगिक हो गए? क्या बलराज मदोगा अप्रासंगिक हो गए? क्या दीनदयाल उपाध्याय? सवाल अपने घर की है, सुनिए ना। सबसे पुरानी पार्टी आपकी, सबसे पुरानी पार्टी, मैं तो उनकी पार्टी विद द डिफरेंस वालों से बात ही नहीं कर रहा अभी, शुरुआती निशाजिया आ गई उनका भी स्वागत है। मैं तो जो कहा, हम लोग जब जिसका मुखातिब होते हैं आपसे, देश की सबसे पुरानी पार्टी यहां से कहते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी में ये बात तो पूछने का किसी में, अगर ये उठा रहे हैं जी 23 वाले, उनको गुब्बारा कहकर नकार दें, इससे पहले तो ये सवाल पूछा ही जा सकता है ना आपसे कि जो कह रहे हैं हाँ ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, यहां से बात है। देखिए, आपको याद हो प्रतीक जी, तो एक बार पहले भी हम इस बहस में थे, जब इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव थे और आपने कहा था कि G23 कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है, तब मैंने आग्रह किया था कि वो सारे नेता आज इस बात को करने की अपेक्षा, जो जिस प्रदेश का नेता है उस प्रदेश में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करें। सारे अग्रणी संगठन कांग्रेस के और सारे नेता जो समर्पण भाव, ठीक है अबे जी, बिल्कुल ठीक, अबे जी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात को मानता हूं 100%, कहने से पहले करना चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात 100%, लेकिन मैं शाजिया के पास जाऊं, शाजिया से पूछूं, नहीं पूछता शाजिया से, मैं शांतनु गुप्ता से भी नहीं पूछूंगा, अभी बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वे कहेंगे कि भाई आपने उनसे क्यों पूछा, और ना ही मैं प्रेम कुमार जी से पूछूंगा, वो भी हो सकता है कि अपनी एक राय लेके आए। मैं यहां पे अतुल सक्सेना मौजूद हैं, अतुल सक्सेना जी, इसमें यह भी बात कही गई कि कुछ पार्टियों से गठबंधन कर लेना चाहिए था चुनाव लड़ने से पहले, और जो G23 उठा रहा है, एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते, उस पेरिफेरी में होने के नाते, आप ये बात बताइए सही है या गलत है जो कहा जा रहा है कांग्रेस के अंदर, आवाज उठाई गई, वो सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी चाहिए, वो एड्रेस की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। शांत जी, अतुल सक्सेना जी। देखिए भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, न्यूज 18 इंडिया परिवार को देता हूँ, देश विदेश के अपने सभी साथियों मित्रों को होली की बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और होली के रंगों की तरह ही आपकी जिंदगी में खुशियों का रंग रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। अब आपका सवाल जो मेरे से है उस पर मैं आता हूँ। देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उस पर अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम करती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अब कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश में जमीन में नहीं है, और जब आप यदि बूथ स्तर पे नहीं है, जिले स्तर पे नहीं है, तो आपका रिजल्ट भी किस तरीके से आएगा वो आपको पहले ही समझना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा पूरे साल 5 साल, तो उसका रिजल्ट तो आपको समझना चाहिए कि क्या होगा, फेल ही होगा उसमें। दूसरा सवाल, जो पार्टी, जो बहुत पुरानी पार्टी है, मैं कहूँगा सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसकी हालत दिन प्रतिदिन जो है गिरावट उसमें आ रही है, तो गिरावट क्यों आ रही है, वो कांग्रेस को अपने अंदर चिंतन करने की जरूरत है।
उसमें मैं क्या बताऊंगा, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो देखे, बात करे क्या उनकी कमजोरियां हैं, उस पर चर्चा करे। आपने तो मैंने इसलिए भी सवाल पूछा था क्योंकि जब पिछला चुनाव हो रहा था 17 में, तो आपके परिवार में भी कलह मची हुई थी और परिवार में कलह थी, हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर तो थी और वहां पर भी तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन आपने उसको रिजॉल्व तो कर लिया, आप खड़े हो गए। देखिए इस नाते इस बिहार से फिर सवाल मैं आपके पास आता हूँ। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार कहते हैं कि परिवार में कलह, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये सब जो है ये एक र्यूमर है, पार्टी में कहीं किसी तरीके मैंने कहा है, उसको सॉल्व कर लिया, सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया, पार्टी परिवार में प्रेम है उतना प्रेम आपको बामुश्किल किसी परिवार में मिलेगा, और छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में। अतुल जी आप थोड़ी देर में मेरे मुद्दे को, अतुल जी थोड़ी देर में आप डिबेट के सवाल के सीधे पॉइंट पे आएंगे,